नमस्कार किसान भाइयों, अब सोयाबीन की फसल की कटाई का समय लगभग आ गया है। जिन्होंने जल्दी पकने वाली किस्म लगाई है उनकी फसल लगभग अब लगभग तैयार हो गई होगी पककर। बहुत सारे किसान भाई अपने फसल से कुछ सोयाबीन अगली बुआई के लिए बीज हेतु रखते हैं। यदि आपको बीज हेतु सोयाबीन को रखना है तो फसल की कटाई से लेकर भंडारण तक कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आज की वीडियो में मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगी। सोयाबीन की फसल को सही समय पर कटाई और गहाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि सही समय पर कटाई ना की जाए तो फलियां चटकने लगती हैं और खड़ी फसल में फलियों के अंदर ही सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। सोयाबीन की कटाई तब करनी चाहिए जब बीज में नमी 15 से 17% तक हो, और यह स्थिति में पौधों में तब आती है जब पौधों से पत्तियां झड़ कर गिर जाती हैं और फली का रंग भूरा या काला हो जाता है। कटी फसल को पके फर्श पर सुखाएं ताकि बीज की नमी 13 से 15% तक आ जाए। गहाई हेतु थ्रेसर के इस्तेमाल करने के लिए सिलेंडर की गति 300 से 400 RPM के बीच ही होना चाहिए ताकि बीज ज़्यादा टूटे नहीं, और थ्रेसर के इस्तेमाल से गहाई करने हेतु बीज की नमी 14 से 15% उपयुक्त होती है। यदि बीज ज़्यादा सूखा है तो सिलेंडर की गति 300 पर ही रखिए, क्योंकि गहाई के समय यदि बीज की नमी 12% से कम हो जाती है तो बीज मशीनी चोटों के लिए बहुत नाजुक हो जाता है और बीज की अंकुरण क्षमता घट जाती है। इसलिए थ्रेसर से गहाई करते वक्त बार बार हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बीज ज़्यादा टूट तो नहीं रहा। यदि बीज ज़्यादा टूट रहा है तो सिलेंडर की गति को और कम करके एडजस्ट कर लेना चाहिए। यदि कटाई के दौरान बारिश हो जाए तो बीज की गुणवत्ता में बहुत अधिक कमी आ जाती है, और ऐसी स्थिति में सोयाबीन की गहाई को आप 15% की नमी पर ही करिए, उसे ना सुखाएं, क्योंकि वह मशीनी चोटों के लिए बहुत ही नाजुक हो गई होती है। गहाई के बाद बीज को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रायः कटाई और गहाई के बाद भी बीज की नमी बहुत ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा नमी रहने से बीज में श्वसन क्रिया बहुत तेज़ी से होती है और वह बीज मरने लगती है। 18 से 20% नमी रहने पर बीज में श्वसन क्रिया इतनी तेज होती है जिससे कि बीज लगभग 7 दिनों के अंदर में भी मर जाता है। इस ऐसे बीज की नमी की स्थिति में बहुत सारे फफूंद जैसे एस्परजिलस, राइजोपस, पेनिसिलियम आदि का बहुत अधिक संक्रमण होता है, और यह संक्रमण इतना अधिक बढ़ जाता है कि कभी कभी पूरी की पूरी बीज लॉट ही खराब हो जाती है और बीज मर जाता है, उसकी अंकुरण क्षमता बिल्कुल नहीं रहती।